असित मोदी ने हाल ही में एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने दया बेन यानी दिशा वकानी को जल्द से जल्द शो में वापस लाने की बात कही। साथ ही उन्होंने शो की पुरानी कास्ट और क्रू से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि अगर जाने अनजाने उन्होंने किसी को तकलीफ पहुंचाई है तो वह इसके लिए माफी चाहेंगे। पिछले काफी समय से तारक मेहता का उल्टा चश्मा गलत वजहों से विवादों में रहा था। कई पुराने कलाकारों ने शो के प्रोड्यूसर असित मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि इस बीच शो की कास्ट ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 15 साल पूरे होने का जश्न मनाया। ऐसे में असित कुमार मोदी ने अपने फैंस के लिए एक खास वीडियो शेयर किया। इस दौरान उन्होंने शो के साथ अपने लंबे सफर के बारे में बात की। साथ ही उन्होंने बताया कि कैसे रास्ते में कई स्पीड ब्रेकर आए, इसके बावजूद और शो के कलाकारों ने मिलकर काम किया और उसे बेहतर बनाया। वीडियो में असित ने अपने फैंस को इतने लंबे समय तक उनके साथ रहने के लिए शुक्रिया कहा। उन्होंने यह भी वादा किया कि वह जल्द ही दया बेन को शो में वापस लाएंगे। शो में उनके योगदान के लिए असित ने दिशा वकानी को धन्यवाद देते हुए कहा, इस 15 साल की यात्रा में एक ऐसा किरदार है जो हमेशा दर्शकों के साथ रहा है। वह किरदार है दया बेन का, जिसे दिशा वकानी ने निभाया है। हमारे मन में दिशा के लिए सिर्फ प्यार और सम्मान है। मैं दर्शकों से यह भी वादा करता हूं कि हम जल्द ही दया बेन को शो में वापस लाएंगे। बता दें कि दिशा वकानी ने 2017 में मैटरनिटी लीव ली थी, जिस कारण उन्होंने शो छोड़ा था। हालांकि अभी तक वह शो में वापस नहीं आई। हालांकि असित ने बताया कि दिशा लगातार मेकर्स के कॉन्टैक्ट में है। इंडियन एक्सप्रेस ने बातचीत के दौरान असित ने कहा था, मैं भी चाहता हूं कि दिशा जल्द ही शो में वापसी करें। मैं चाहता हूं कि दया के रूप में वापस आए और मुझे उम्मीद है कि वह ऐसा करेंगी। मैं आभारी हूं कि उनके शो में न होने के बावजूद जनता ने उन्हें इतना प्यार दिया है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग समाग्राम।